प्रदेश सरकार और खासतौर पे हमारा हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC उसने आज लॉन्च किया है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है, ये इसका फायदा पूरे प्रदेशवासियों को होगा। लगातार काफ़ी 5-6 महीना से हमारे HRTC के लोग बैंक के साथ मिलके इसके काम पे लगे थे और इन्होंने रिकॉर्ड टाइम में इसको कंप्लीट कर दिया और अब इसकी यूटिलाइजेशन जिस प्रकार से होगी, चाहे वो DTC है, चाहे हरियाणा रोडवेज है, चाहे मेट्रो है, हर जगह इसका फायदा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। क्या सब ये शुरू हो चुका है, कब से लोगों को? एक्चुअली अभी इन्होंने मुख्यमंत्री जी के ने लॉन्च किया और साथ ही इसको उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, तो लॉन्चिंग ही थी जी। जिस तरह से बसेस के अलावा भी इसके जो दूसरे यूजर्स हैं वो रहेंगे, तो उससे कितना फायदा रहेगा लोगों? नहीं, अब कोशिश चल रही है कैशलेस प्रणालियों को जो है चलाने की, तो हमारे रेवेन्यू में भी फर्क पड़ रहा है उससे। HRTC ने इस महीने तो रिकॉर्ड अर्निंग की है, 70 करोड़ की अर्निंग है। इस बार जो सरकार से हम ग्रांट लेते हैं उसको कम किया गया है, क्योंकि HRTC ने अपनी अर्निंग की है, तो लगातार प्रयास हो रहे हैं HRTC को सशक्त करने के लिए। और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो लगातार जो है कॉरपोरेशन है जो लगातार फैसले कर रहा है, आपने ये लगातार देखा होगा। और एक तो ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि HRTC के लोगों को हम समय पर तनख्वाहें दे रहे हैं, कि नेता प्रतिपक्ष ने 2 दफा बयान दे दिया कि HRTC के लोगों को 6-7 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, ये पूर्णतः असत्य है। और मुझे लगता है कि जिसने भी नेता प्रतिपक्ष को ब्रीफ किया है वो सही ब्रीफिंग नहीं है। खासतौर पे पिछले 7 महीने से तो तनख्वाह जो है हम लगातार पहली तारीख को देते आए हैं, पेंशन हम लगातार दे रहे हैं, तो कोई भी पेंडेंसी नहीं थी तनख्वाह को और पेंशन को लेके। अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है, मैंने हाउस में भी उनको कहा है कि इससे जब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं या उसका मैसेज आता है स्टेट में, तो सही सूचना उनके पास नहीं थी। और ठीक है, कुछ और मसलों पे पेंशनर्स अपना अपनी बात जो है सार्वजनिक स्तर पे रख रहे हैं, वो सबको अधिकार है लोकतंत्र में, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, सबको अपनी बात रखने का अपने तरीके से अधिकार है। लेकिन ये सही नहीं है कि दूसरा, जैसे आज कर्मचारियों को तनख्वाहें मिलनी शुरू हुई हैं तो HRTC की भी फाइल अप्रूव हो रखी है, और तो हमारे भी एम्प्लॉइज को हम सैलरी दे देंगे, तो ऐसा कतई नहीं है। दूसरा जो ये मसला, इन्होंने आज नेता प्रतिपक्ष ने ये कह के सनसनी फैलाने की कोशिश की कि हम हिमाचल प्रदेश के मंदिरों का सोना जो है गिरवी रख रहे हैं, हम देवभूमि में रहते हैं,